टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के आमिनाबाद में और आपको बता दें कि आज विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान का यहां पर दौरा था। साथ में आपको बता दें कि नगर सेवक जफर नुमानी और यूनुस खान और मनपा के अधिकारी धनंजय गोसावी साथ में मौजूद थे। जिस तरह से आमिनाबाद चांद नगर में पानी की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन सानू पठान ने बताया है कि धूम चाल आमिनाबाद बाबू भाई चाल इन इलाकों में पानी की समस्या दूर करने के लिए यहाँ पर पानी की पाइपलाइन बिछा दी गई है। जल्द ही इनमें कनेक्टिविटी कर दी जाएगी और जिस तरह से गटर नाले हैं और अन्य जो काम यहाँ पर अभी आधे अधूरे बाकी है, आने वाले मनपा के बजट में इन्हें पास कराया जाएगा और इन कामों को जल्द ही यहाँ पर पूरा किया जाएगा। वार्ड नंबर 30 का ये पूरा इलाका है और यहाँ पर शानू पठान ने जिस तरह से आज दौरा किया है और इस दौरे के बाद विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान और यूनुस खान और जफर नुमानी और मनपा के अधिकारी ने जल्द ही काम पूरा होने को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी हम सुनाएंगे। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि जिस तरह से शानू पठान लगातार दौरा कर रहे हैं, इस दौरे को लेकर भी मुंब्रा शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि यार 4 साल का जो वक्त गुजर गया है इसमें आखिर काम क्यों नहीं किया गया है। और कहीं ना कहीं सानू पठान के दौरे को चुनावी आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि सिर्फ ये चुनावी स्टंट है। लेकिन सानू पठान का कहना है कि हम काम करते हैं और काम पर भरोसा रखते हैं, जनता हमारे ऊपर भरोसा करती है। बहरहाल दौरे के बाद सानू पठान ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है सुनाते हैं। सानू भाई, आज आप चांदनगर दौरे में दौरे पे आए थे, यहाँ पर क्या क्या तकलीफें आपने देखे, क्या क्या चीज़ का आप लोगों ने डिसीजन लिया यहाँ काम? देखिए, जैसे कि माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत के आदेश पर हमने 26 और 29 पैनल का दौरा किया, ऐसे ही 30 नंबर वार्ड का आज ये सभी इलाकों में दौलत नगर, चांदनगर, ये सभी इलाकों के अंदर हमारे सीनियर कॉरपोरेटर सिराज डोंगरे जी की तरफ से सोहेल भाई, जफर नुमानी कॉरपोरेटर यूनुस भाई, गोसावी जी और बाकी संबंधित अधिकारी, अति आवश्यक काम है। जो नाले है, जो कई जगहों पे डैमेज है और थोड़े बहुत सोसाइटी के अंदर बड़ी जो जूनी इमारतें उनके गटर नहीं करने के कारण स्लोप डाइवर्ट होकर बड़ी सोसाइटियों में आए और पानी की कुछ लाइनों की जगह पे ओपनिंग हाल ही में हुई है, वो सभी का दौरा था। और आने वाले नेक्स्ट वीक में महासभा में बजट होने वाला, बजट की महासभा तरतूद होने वाली, इसी को नज़र रखते हुए पूरे मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत, दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत कई जगहों पर पानी दौरा करके स्थानिक कॉरपोरेटर की समस्याओं को बजट लाके संबंधित अधिकारियों की सूचना लेकर बजट कैसे तरतूद करना है और जो कोविड के में टाइम पे रुके हुए काम है उनको इस वर्ष में कैसे पूरा करना है, आने वाले बारिश आने वाला है उन तक समस्याओं को कैसे समाधान करना है, इनको सभी लोगों को आज लेके दौरा हुआ था। मुझे यकीन है कि माननीय कमिश्नर साहब, माननीय महापौर साहब और हम सभी कॉरपोरेटरों के साथ संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर ये सभी बजट को तरतूद करके आने वाले वक्त के अंदर मुमरा कौसा के अंदर जो धीमी रफ्तार में कम है उसको जल्द से जल्द पूरा करना। शानू भाई, शहर में ये भी चर्चा है कि आपने इसके पहले भी दौरा किया और आज भी दौरा किया, ये दूसरा दौरा है आपको, लोगों का ये कहना है कि आपका ये जो चुनाव आ रहा है ये चुनावी फंडा है, आने वाले चुनाव में आप इसको जो है एक मुद्दा बनाएंगे, गटर नाले को लेकर पिछला 4 साल जो गया है इसमें काम ये हो जाना चाहिए लेकिन ये काम नहीं हुआ, अब जो दौरे हो रहे हैं ये चुनावी दौरे हो रहे हैं। देखिए, एक बात बोलता हूँ मैं, चुनाव तो हमेशा 5 साल में होते रहते, 1.5 साल में MP, फिर उसके 1.5 साल बाद MLA, फिर उसके 1.5 साल बाद नगर सेवक, तो इसका मतलब ये थोड़ी है, उसका मतलब आप सुनिए ना, उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम दौरा करना लोगों की समस्या छोड़ देंगे। काम नहीं किया है तो आप जाइए इस वार्ड के अंदर, हमारे सीनियर कॉरपोरेटर सिराज डोंगरे जी की तरफ से और माननीय जितेंद्र रावत के मार्गदर्शन में इस प्रभाग के अंदर हर कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे नगर सेवकों ने अच्छे से अच्छा काम किया है और हमारे अधिकारियों ने उसका साथ दिया है। हाँ, सभी काम पूरा करना संभव नहीं है, लोगों की शिकायत जब तक जिंदगी रहेगी, दुनिया रहेगी, नगर सेवक रहेंगे, रहेंगी। आज आप एक बात बताओ, महानगर पालिका मुंबई की
देश की महानगर स्टेट के बजट की जितनी मुंबई महानगर पालिका का बजट रहता है, लेकिन आज भी बारिश का पानी मुंबई महानगर पालिका में भरता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि हजारों करोड़ की महानगर पालिका मुंबई काम नहीं करती, काम करती है, काम करते टाइम लोगों की सूचना बढ़ती रहती है, लोगों की आबादी बढ़ती है, लोग आज ये काम देते कल दूसरा काम देते और काम 5 साल में खराब भी हो जाता है। तो इसीलिए हम हमारे काम से मतलब रखते हैं, हमें यकीन है हमारे काम देख के लोग समझेंगे कि इनको काम करने की इच्छा है। ठीक है, पानी का जो है सिस्टम यहाँ पर फिर पानी के लिए जो है जो टाँकी बनाई गई यहाँ से, यहाँ पर कहाँ कहाँ पानी का जो है पाइपलाइन बिछाया है? पानी का आपको बता दूँ, पानी का पूरा कनेक्टिविटी हो गई है, 3 दिन के अंदर वो पानी अमीनाबाद का शुरू हो जाएगा। हमारी बात हुई है, शानू भाई ने भी बात की है, साहब ने भी बात की है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको बुला के डाटा सब कुछ किया, उनका काम किसी वजह से रुका हुआ था वो कंप्लीट हो गया, पीछे से जॉइंटिंग खाली यहाँ पर फ्लश आउट करना है, 3 दिन के अंदर फ्लश आउट करके कनेक्टिविटी हो जाएगी पानी की अमीनाबाद की। और आपकी आपकी एक बात का जवाब देना चाहता हूँ, आप दौरे की बात कर रहे हैं, हमारे भाई अभी 3 महीने में जितना काम किए, 1 महीना 10 दिन के अंदर विरोधी पक्ष नेता बने, तो ये दौरा तो करेंगे ही अभी, क्या घर बैठ जाएंगे? आप क्या चाहते कि दौरा नहीं करें? मैं नहीं चाहता कि करे या ना करे, मैंने ये जनता का कहना, जनता को समझना चाहिए ना। अभी ये पहले कॉर्पोरेटर थे तो ये अपने वार्ड का देख रहे थे, आज अल्लाह ने इनको इतना बड़ा ओहदा दिया तो पूरे मुमरा का दौरा करे और काम का मामला हल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दौरा करने देखिए, जिनका काम है शिकायत करना वो सिर्फ शिकायत ही करेंगे, और वो कुछ लोग हैं चंद पर्सन, मतलब मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे दे, क्योंकि हमारे किए हुए कामों की तरफ वो देखें और कितना कि हमारे अक्सर ऐप को ही तलाश करें, अगर कुछ हमारे अंदर कमियां हैं तो उसको बताएं, हम उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जिससे लोगों को अपेक्षा होती है, जिससे लोगों की उम्मीद बंधी होती है, वही लोग रोड पर रहते हैं, मैदान में रहते हैं, वही दौरा करते हैं, वही रोड पर उतरते हैं, वही लोगों की समस्याओं को हल करते हैं। तो अभी इनको 1 महीना 10 दिन हुआ है, और ये मुमरा की खुशनसीबी है कि सुभाष भोयर के साहब के बाद अगर मुमरा में कोई विरोधी पक्ष आया है, माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने जिनको मुमरा कोसा को ये तोहफा दिया है, तो लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। दौरा हुआ, इंशाल्लाह जो भी पानी का मसला है, जो भी बचे हुए नाले का काम है, जो रोड का काम अधूरा पड़ा हुआ था, इंशाल्लाह हम डॉक्टर जितेंद्र आवार साहब के मार्गदर्शन में बारिश से पहले, और गोसावी साहब मौजूद है, विरोधी पक्ष नेता मौजूद है, सिराज डोंगरे साहब, यूनुस भाई, शमीम खान साहब, भाई साहब, हमको तो इंस्ट्रक्शन है कि अगर किसी का कॉल आया तो फायर ब्रिगेड जिस तरीके से भाग करके जाता है उससे फास्ट आपको काम करना, ये हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब का आदेश है, और हम इंशाल्लाह तमाम बचे हुए कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। गोसावी सर, जो आज दौरा हुआ है इसमें जो गटर नाले पानी का मुद्दा है, ये कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? ऐसा है कि काम तो हो रहे थे वार्ड में, मगर कई काम रुक गए थे, जैसे इंशनगर का नाला बजट में पिछले टाइम पर 350 मीटर था, मगर उसका लेंथ था 550 मीटर तक, तो 200 मीटर बच रहा था, तो हम रिक्वेस्ट किया कि हमको ये नाला जो अपने को मेन नाला है वो एरिया इंशनगर का, वो 150 मीटर का नाला हमारा काम बाकी था। दूसरा साबरी मंजिल का एक नाला है, उसका एक काम बाकी था, उसको हमको बजट नहीं मिल रहा था, तो अपने अपोजिशन लीडर क्या बोले कि हर वार्ड के 2 इम्पॉर्टेंट काम अपने को चॉइस करने का, उसमें से 2 उधर के हो गए और इधर के 2 काम, ऐसा हर एक वार्ड का 2-2 काम हमको बजट नहीं मिल रहा था। अभी बजट लेने की जिम्मेदारी उन्होंने ली, तो बजट मिलेगा तो अपना जो प्रोसीजर रहता है टेंडर निकलने का, फिर स्टैंडिंग कमेटी, महासभा, स्टैंडिंग कमेटी सब करके आपको जल्द से जल्द जितना हो जाए उतना काम अपना पूरा जल्द करने की कोशिश करेंगे। खाली एक कोविड रुकना मत पड़े, कोविड बढ़ गया तो थोड़ा अपने को तकलीफ होने वाला है, ये तो सही बात है, मगर आज भी कल भी मुमरा का पेशेंट 0 ही था, मगर बाकी का एरिया तो बढ़ गया 300 के ऊपर पास गया, ये टेंशन है। हाँ, और कैसे कि जल्द से जल्द वो बजट मिल गया, फाइल मंजूर होके ये बिफोर मानसून में अपन ट्राई करेंगे पूरा करने का, और इनका ऑलरेडी 2 फाइल सैंक्शन है, वो अभी अगले हफ्ते में जो बहुत जरूरी है वो कल उठगा, अपना इनॉग्रेशन है, वो 2 काम तो हम तुम्हारा बारिश से पहले पक्का 1000 टका पूरा करेंगे।